Jane, everyone, how are you all? Fine? Okay. कल हम लोग बड़ाओं की मात्रा पढ़े थे, आज उसी आवश्यक नई मात्रा में पढ़ेंगे। किसकी मात्रा है ये? क्या है ये? ए की मात्रा। किसकी मात्रा है ये? ए की मात्रा। और ये जो हमारी बुक दिख रही है भाग वन की ही है। बहुत बच्चे कन्फ्यूज थे, तो अब आपको शायद कल हमने समझाया था, आज भी समझा देते हैं। ये देखिए भाग एक का पाठ्य पुस्तक में पढ़ने वाला दिया है और अभ्यास पुस्तक में एक्सरसाइज करने के लिए दिया है, कि जो कि आपको दोनों बुक साथ साथ करते जाना है। अगर हम एक ही मात्रा कर रहे हैं तो इस बुक में भी देखिए ये दिया हुआ है होमवर्क, एक ही मात्रा वाले सब, तो इसको भी हम समझाएंगे। तो आइए देखते हैं, हम पढ़ेंगे एक ही मात्रा। एक ही मात्रा में कैसे करना है आइए देखिए। यहाँ दिया हुआ है र, क्या दिया हुआ है? र। र में कौन सी मात्रा लगी है? ए, जो कि हम क्या पढ़ रहे हैं? ए। क्या हो गया है? र में एक मात्रा रे, ल। क्या हो गया है? रे। फिर क में कौन सी मात्रा है? ए की मात्रा। ल में कौन सी मात्रा है? ए की मात्रा। क्या हो गया? क में एक मात्रा के, ल में एक मात्रा ले, के ले। फिर नेक्स्ट है हमारा स, स में कौन सी मात्रा लगी है? ए की मात्रा, जो कि आज हम वही पढ़ रहे हैं। स में एक मात्रा से ब, क्या हो गया? से। फिर नेक्स्ट हमारा ज, ज में कौन सी मात्रा लगी हुई है? ए की मात्रा, ज में एक मात्रा जे, ब जे। फिर हमारा है म, म में कौन सी मात्रा लगी है? ए की मात्रा, म में एक मात्रा मे, ल में मात्रा ला, मे ला। नेक्स्ट है त, त में कौन सी मात्रा लगी है? ए, त में कौन सी मात्रा लगी है? ए, त में एक मात्रा ते, ल, क्या हो गया? ते। फिर है ब, नेक्स्ट देखिए ब, ब में एक मात्रा बे, त में मात्रा टा, बेटा। फिर है स, ख में एक मात्रा हे, ल में बड़ी की मात्रा ली, क्या हो गया? सहेली। तो इसमें सहेली में कहाँ पे एक मात्रा लगी है? ख में। और ल में कौन सी मात्रा लगी है? बड़ी की मात्रा। ल में कौन सी मात्रा लगी है? बड़ी की मात्रा, ठीक है। फिर ज, ल में कौन सी मात्रा लगी है? आज हम कौन सी मात्रा पढ़ रहे हैं? ए की मात्रा। ज, ल में एक मात्रा ले, ब में बड़ी की मात्रा बी, क्या हो गया? जलेबी। फिर प, ख में कौन सी मात्रा लगी है? ए की मात्रा। और ल में कौन सी मात्रा है? बड़ी की मात्रा, क्या हो गया? पहेली। फिर से पढ़ लेते हैं, ये तो मात्रा में लगे पढ़े, अब हम शब्द के साथ बोलेंगे, मात्राएं आप एक एक करके नहीं बोलेंगे। चलिए बोलते हैं, राम में है सॉरी रेल, केले, सेब। सबको समझ में आया? रेल, केले, सेब। रे, रे, आप बोले तो रे, एक ही आवाज आ रही है ना, तो क्या हो गया है? रे, केले, सेब। फिर नेक्स्ट है जेब, मेला, तेल, बेटा, सहेली, जलेबी, पहेली। ये हमारे थे एक मात्रा। अब आपकी बुक में देखिए दिया हुआ है आओ गाए, मतलब इसको गा के भी हमें करना है। आइए कैसे गाते हैं देखिए, इसमें आपका चित्र भी दिखाई दे रहा होगा, केले के पेड़ दिखाई दे रहे हैं ना, तो और सेब भी, ये लड़का लिया हुआ है, ये सेब भी लिया हुआ है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं इस चित्र में, आओ गाए। केले के थे पेड़ बड़े, सब लोग मेरे साथ गाइएगा, केले के थे पेड़ बड़े, लेकिन उन पर सेब लगे। क्या लगे? सेब लगे। खाए तो वे बेर लगे, बड़े अनोखे पेड़ लगे। ओके, बड़े अनोखे पेड़ लगे। फिर से गाइए, केले के थे पेड़ बड़े। सब में देखिए इस लाइन में जो दिया है, सब में एक ही मात्रा लगी हुई है इस लाइन में। फिर आते हैं नीचे, लेकिन उन पर सेब लगे। यहाँ पे लेकिन में देखिए छोटी की मात्रा आ गई है। आप लोग को रिवीजन कराते जा रहे हैं, अगर आप मात्रा में कंफ्यूज हुए ना, तो फिर से जाके वीडियो ऑन करके देख लीजिएगा। लेकिन उन पर सेब लगे, खाए तो वे बेर लगे, बड़े अनोखे पेड़ लगे, मतलब केले के थे पेड़ बड़े। देखिए यहाँ पे इस चित्र में आपको दिखा रहा है, केले जो हैं इसके क्या है, केले के थे पेड़ बड़े, मतलब केले हैं बहुत ज्यादा बड़े बड़े पेड़ हैं केले के। फिर है नेक्स्ट, लेकिन उन पर सेब लगे। देखिए उसी कहानी में क्या है कि उन पर सेब लग गए हैं, केले के पेड़ पे सेब लग गए हैं। देखिए रेड जेड,
या तो वो हमारा येलो होता है, पीला होता है, लेकिन उसमें क्या लग गया है, सेब लग गया है। वो आपको ही रैम्स बनाने के लिए, गाने के लिए आपको दिया हुआ है, ठीक है। फिर खाए तो वो बेर लगे, देखिए कितना चेंज हो रहा है, जब हम उसको खा रहे हैं तो बेर का स्वाद आ रहा है, ठीक है। बड़े अनोखे पेड़ लगे, तो वो तो अनोखा होगा ही, केले का पेड़ है, उसमें सेब लगा है और उसे उसको खा रहे हैं तो बेर लग रहा है, तो अनोखा तो होगा ही। समझ में आ गया आप लोग को? तो ये हो गया आपका एक ही मात्रा वाले शब्द। फिर हमारा इसमें देखिए नीचे एक्सरसाइज दिया हुआ है कि नीचे दिए गए शब्दों के पहले अक्षर में एक ही मात्रा जोड़कर नए शब्द बनाइए, ठीक है। जैसे कला लिखा है तो कला लम में तो आ की मात्रा लग गई है, लेकिन क बाकी है तो क में यहाँ पे नीचे देखिए लग गया होगा, क में एक मात्रा के, ल में एक मात्रा ला के ला। फिर म ला है, मला तो होगा नहीं, फिर ल में मात्रा पहले से लगी हुई है तो म में क्या लगा देंगे, एक ही मात्रा, चूंकि ऐसे हम एक ही मात्रा पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है च ला, चलो तो होगा नहीं, चेला होगा, च में एक ही मात्रा चे, ल में एक मात्रा ला, चेला। फिर है ठ ला, ठला होगा नहीं, ठ में कौन सी मात्रा लग जाएगी, एक ही मात्रा, वेरी गुड, ठेला। फिर है बला, बला तो होगा नहीं, ब में एक ही मात्रा बे, ल में एक मात्रा ला, बेला। ये एक ही मात्रा पढ़े हैं तो ये हमारे एक ही मात्रा वाले शब्द हैं। अब इसको आपको करना क्या है, इसको लर्न करके वीडियो बना के भेजना है, पहले अपने सिलेबस का लर्न करना है एक ही मात्रा वाले शब्द, फिर उसके बाद से आपको अपने मन से भी लर्न करना है। फिर इसका एक्सरसाइज दिया हुआ है, एक ही मात्रा पढ़ रहे हैं, एक ही मात्रा में देखिए यहाँ दिया हुआ है कि एक ही मात्रा वाले शब्दों के दो चित्र बनाएंगे, तो एक साइड आप केला बना सकते हैं, एक साइड सेब बना सकते हैं, या जो भी आपको इजी लगे जिसमें एक ही मात्रा वाले शब्द आए उसका चित्र आप बना सकते हैं। जलेबी में भी है तो जलेबी भी बना सकते हैं, सेब का भी है तो सेब का भी बना सकते हैं, रेल का भी है तो रेल का भी बना सकते हैं, दो चित्र बनाना है, गुड। फिर दिया गया है चित्रों को उनके नामों के साथ मिलाइए, यहाँ कुछ चित्र लगा दिया हुआ है, इधर नाम दिया हुआ है उसको उनके साथ मिलाना है। तो पहला हमारा भेड़ है, भेड़ इस चित्र में कहाँ दिखाई दे रहा है, सबसे नीचे, ये हमारा हो जाएगा भेड़, इसे मिला देना है। फिर है रेल, रेल यहाँ सबसे ऊपर दिया हुआ है तो रेल से मिला देंगे। फिर जलेबी है, जलेबी यहाँ प्लेट में रखा हुआ है उससे मिला देंगे। केला, केला सेकेंड नंबर पे है उससे मिलाएंगे। पेड़, पेड़ यहाँ दिया हुआ है, पेड़ से मिलाएंगे। कुछ बच्चों ने कर दिया है, फिर से उसको आप रिविजन करेंगे, हमारा रिविजन वर्क चल रहा है। ओके, थैंक यू।